and this is local market area of Kohima. Eto ki ashe? I think drum ashe. So stand pe to pahunch gaya, mere ko lagta hai yahi hai Vishama ke liye. यार अंधेरा होने वाला है और कुछ समझ में आ नहीं रहा क्योंकि रास्ते पे रास्ता निकलता जा रहा है. यहाँ पे रख देगा. सो आई कैन रिमेम्बर द वे. इस जंगल में छोटे छोटे ऐसे हट्स तो आ रही हैं लेकिन भाई बिल्कुल वांटेड वाला सीन लग रहा है. भाई यार हालत देखो रस्तों की. एनीवन इज देयर? यार जंगल के बीच में घर तो आए लेकिन यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा मेरे को. ऐसा नहीं लगता कोई ट्रैकिंग करते करते मर गया हो. और यहाँ पे भटक गया तो पंगा हो जाएगा. और अंधेरा जो है वो बिल्कुल होने वाला है. सूर्य ढल चुका है. भाई नीचे जमीन नहीं है, मैं लकड़ी के ऊपर चल रहा हूँ. लेकिन रास्ता भूलना नहीं है. यहाँ पे क्या रखूँ? पर इस टाइम पे रास्ता भूल गया तो हालत बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा. इस बार कोई मिल गया तो बोल देंगे भाई. पानी लेने जा रहा हूँ यार. तो लकड़ियों में से भाग रहा है शायद. आपका बियर और जो वाइल्ड लियोपार्ड होता है वो है यहाँ पे. रिजर्व प्रोटेक्शन. मुझे लोडिंग तो नहीं है लेकिन दाव है मेरे पास. हे गुड मॉर्निंग गाइस. मोइला तो आपने खान कोहिमा आई बोले स्वागत कुरिया से. एंड टुडे आज का अपना जो प्लान है वो है जुको वैली जाने का. बट बिफोर गोइंग टू जुको लेट मी इंट्रोड्यूस टू माय फ्रेंड्स अगेन एंड अगेन. एवरीवन इज हियर. द स्मॉल गाय पिटी फॉर हिम बिकॉज ही कांट गो आउटसाइड. या ओए क्यों डरता है इतना? पिटबुल है तो तू. यार चेजिंग गुम होने वाला सिलसिला अब भी खत्म नहीं हो रहा. कोहिमा में आने के बाद आई एम नॉट शूटिंग यू जस्ट गो देयर. नागालैंड में आने के बाद मेरे चार पर बैंक गुम हो चुके हैं और एक रात को भी गुम हो चुके हैं. सो अभी देखते हैं मिलता है तो नहीं है भाई. अच्छा पुलकित. हाँ ठीक है मिलते हैं. यार मिल का क्या करेगा? पावर बैंक चाहिए मेरे को. तो नहीं है ना. आई एम फेड अप ऑफ पावर बैंक्स. भाई इसमें तो नहीं मिला पावर बैंक. दूध लेके दिल को बहलाना पड़ेगा. तो यार व्हाट्स रॉन्ग यार? It's yellow from upside and white from bottom. Chemical or milk? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है. शायद मैंने इसके पीछे डाला था. ओए मिला? Yeah. Thank you so much, Jesus. What kind of person are you? Why do you behave like that? I was really, really embarrassed for her. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over. Damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. So we have reached to the junction. और भाई आपका जो ये वाला रोड है ये जाएगा जुको के लिए. और ना आप जुको डायरेक्टली नहीं जा सकते. जुको जाने के लिए पहले आपको एक विशामा गांव है, विशामा या किशामा ऐसे करके वहाँ पे जाना पड़ेगा. फिर वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी. एंड जो मेरा अभी होस्ट है इन्होंने मेरे को बताया कि जुको ना दो जुको है, एक तो साउदर्न जुको और एक वेस्टर्न जुको. तो आप वेस्टर्न में जाना. साउदर्न में जाने से इतना कोई मजा नहीं आया क्योंकि सभी लोग साउदर्न में जाते हैं. और वेस्टर्न में जाओगे तो ज़्यादा वाइल्ड है, ज़्यादा थोड़ा बहुत हॉन्टेड वाला भी फील आएगा आपको. तो ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है ओवरऑल. बाय बाय. कितना डरता है साला कैमरे से. सो सुमो स्टैंड पे तो पहुंच गया. मेरे को लगता है यही है विशामा के लिए. हे ब्रदर जुको के लिए जो विशामा के लिए सुमो कौन सा जाएगा? विशामा. हां विशामा. दिस वन वेयर इज द ड्राइवर? कितने टाइम बाद निकलेगा? ओके मिनिमम 12 बजे तक निकल जाएगा. सो भाई अपना जो सुमो है वो जाएगा ये वाला. बट पैसेंजर पूरा होने के बाद में वी हैव टू वेट टू फिल द कार. कब तक फिल होगा कोई गारंटी नहीं क्योंकि अभी का टाइम वो एक बज चुका है. मेरे हिसाब से 2 बजे तक निकल पाएगा आराम से. सो लेट्स वेट एंड वॉच. लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम ये नहीं क्योंकि 15 किलोमीटर है, आराम से एक घंटे में पहुँच जाना चाहिए. 3 बजे तक पहुँच जाऊँगा. थोड़ा बहुत ट्रैकिंग करूँगा तो आधे रास्ते पहुँच जाऊँगा. फिर आधे रास्ते जाके कैंपिंग कर लेंगे एंड टुमारो वी विल रीच जुको. सो सुमो अपना बुक हो चुका है एंड नाउ लेट्स रोम अराउंड द सिटी जब तक अपना सुमो नहीं चलता. पर भाई आपका जो कोहिमा सिटी है ना, यू कैन से इट जस्ट लाइक सिलोंग, फुल ऑफ हैपनिंग्स. चुपचाप वाला शहर नहीं है, पूरा चहल पहल मिलेगा आपको. जस्ट लुक हियर. ओए पीपल आर गोइंग टू ऑफिसेस, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई काम पे जा रहा है, हर टाइम मतलब भीड़ भड़ाका, चहल पहल. जस्ट लाइक सिलोंग ना, जैसे कि बड़ा बाजार पुलिस बाजार में होता है, सेम लाइक दैट. बट वन थिंग दैट हर्ट्स कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं यार. एनएसटी के लिए बसें बहुत कम मिनिमम जगह पे मिलेगी. मोस्टली सुमो 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 एवरी टाइम सुमो. एंड दिस इज लोकल मार्केट एरिया ऑफ कोहिमा. लुक हियर नेचुरल थिंग्स. होय जीविशे इम्पेजिए आंटी. एक दिस सिलेंडर वन. कितना पैसा? 100. गिव मी वन. ओके तू क्या आशे?
Dishwasher. Oh, I think Ramashe. Ramashe. Thank you, De. So, our shopping is over and our sumo is almost full. So, let's get there. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. But ज़्यादा तो नहीं इतने members आए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Say hi. Hi. Okay. We got one cute Naga Dadi as well. Say hi. We are enjoying. तो एक घंटे की राइड के बाद मैं पहुंच चुका हूं विशामा विलेज. दिस इज द एंट्री पॉइंट एंड दिस इज द लोकल मार्केट ऑफ विशामा. और यहां से भाई अब मेरे को कहां पे जाना है, कैसे जाना है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है. मैंने कोई नेट पे चेक नहीं किया, नो रिसर्च. आई विल जस्ट आस्क द लोकल्स एंड गो. ये वाला रास्ता कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा मेरे को यहां से? अभी यहां से अभी 8 किलोमीटर तक. 8 किलोमीटर बाद कोई गांव आएगा, उसके बाद थोड़ा चढ़ाई मिलेगा पहाड़ जैसा. ओके, उसके बाद फिर स्लोप मिलेगा. बीच में कोई गांव वगैरह आया है? गांव तो नहीं, कोई गांव नहीं है, नथिंग. ओके, चलो ये अच्छा. शो भाई दादा ने बताया ऐसा कुछ रास्ता है, ओनली ट्रैकिंग यू 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 एंड यू. बीच में कोई गांव नहीं है, कोई बस्ती नहीं है. सो कुछ खाने वाने का सामान यहीं से ले लेता हूँ तो अच्छा रहेगा ना. तो भाई ऐसा सब कुछ सामान है, मैगी हो गया, पानी हो गया, ये सब कुछ कैरी कर रहा हूँ. कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कैरी नहीं कर रहा क्योंकि मेरे बैग्स में ओट्स भी है, मिल्क पाउडर भी है, बाकी सब कुछ कॉफ़ी वगैरह है. आई डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा, इट्स ओके. तो भाई आपका जो विशामा गांव है यहाँ से भी जुको जाने के लिए दो रास्ते हैं. एक तो जो अंकल के दुकान के पास से बता रहे थे 8 किलोमीटर, वहाँ तक गाड़ी भी जाता है, आप वॉक से भी जा सकते हो. लेकिन यार गाड़ी से जाएगा तो भी मज़ा नहीं आएगा और वॉक से जाएगा तो भी उस रास्ते से मज़ा नहीं आएगा क्योंकि सड़क सड़क वाला रास्ता है. सो मैं यहाँ पर अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ दूसरा रास्ता जो कि होने वाला है जंगल का रास्ता. नदी के पास में जाना पड़ेगा, फिर नदी नदी. इट्स गोना टफ, इट्स गोना हार्ड एंड इट्स गोना एडवेंचर, आई होप सो. नदी वाला थोड़ा मुश्किल होगा ना, आगे में एक होगा. हाँ हाँ हाँ, आगे का भाई 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 नागालैंड के लोग देखो. अब मैं अभी रोड से जा रहा था तो भाई ने आईआरबी में भाई भी तो रोक के मेरे को बोला आ जाओ बैठो मैं आपको ड्रॉप कर देगा. थैंक यू दे. अपना नाम क्या है? गो आखो आखो. सो रिवर बैंक के पास तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ आपको अपना कैमरा वगैरह सब कुछ अपना खुद का एंट्री करना पड़ेगा ताकि अगर कुछ जंगल में हो जाए तो 4 आवर्स सेफ्टी, 4 आवर्स सिक्योरिटी. सो लेट्स पे द मनी एंड स्टार्ट द ट्रैकिंग नाउ. तो यार ये वाला रास्ता अपने को लेना पड़ेगा जुको के लिए एंड ऐसा कुछ मेरे को रिसिप्ट दिया है. इट कॉस्ट मी अराउंड 300 एंट्री फीस, कैमरा फीस 200 एंड ड्रोन इज़ प्रोहिबिटेड हेयर. और वैसे भी मेरे पास नहीं है ड्रोन. सो यार लोकेशन कुछ ऐसा है, चारों तरफ जंगल 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 एंड यू कैन हेयर द वॉइस ऑफ बर्ड्स. हाँ चिं 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 एंड नीचे की तरफ एक स्ट्रीम है, सामने दिख रहा है आपको. एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताऊँ यार अभी क्या है, अभी का जो टाइम है ना वो कुछ ऐसा हो चुका है तो अराउंड 1 घंटे के अंदर अंदर अंधेरा हो जाएगा. तो अभी मेरा टारगेट ये है कि यहाँ पे एक ब्रिज आएगा, ब्रिज के बाद में मेरे को लेफ्ट लेना है, उसके बाद अपवर्ड और उसके बाद एक रेस्ट हाउस आएगा और उसके बाद थोड़ा आगे चलने के बाद थोड़ा सा नेटवर्क आएगा, वहाँ पे जाके रुकेगा, नाइट कैंपिंग करेगा एंड देन वी विल स्टार्ट द जर्नी फॉर जुको अर्ली मॉर्निंग टुमारो. अरे भाई 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 मैं सोच जंगल में कोई नहीं मिलेगा, लेकिन एक अल्टो खड़ा है रेड कलर का. हाँ बाल आशे जुको रास्ता कूद जाए आशे कितने बाशे. तो भाई ब्रिज तो आ गया अपना, यहाँ से अंकल ने बोला था कि लेफ्ट लेना है. ओके, और यहाँ नीचे की तरफ आपको पौंड जैसा कुछ दिख रहा होगा, वो पौंड या फिर स्विमिंग पूल नहीं है, लोकल फिशरी है. मछली पकड़ने के लिए लोगों ने इतने घने जंगल के अंदर भी फिशरीज बना रखी हैं, देख लो. तो इससे आपको पता लग सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में मछली का कितना वैल्यू है भाई. यार जब रास्ते की तरफ देखता देखता चल रहा हूँ तो थोड़ा ऐसे फटीक थकान महसूस हो रहा है, लेकिन जब एक बार सर उठा के चारों तरफ देखता हूँ ना, ओए होए होए सारा थकान मिट जा रहा है साला. यार अंधेरा होने वाला है और कुछ समझ में आ नहीं रहा क्योंकि रास्ते पर रास्ता निकलता जा रहा है, कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ. और यहाँ पे भटक गया तो पंगा हो जाएगा. पंगा वैसे तो नहीं, गुम तो नहीं होने वाला, लेकिन टाइम डबल हो जाएगा, जाएगा वापस आएगा. तो इस जंगल में गुम होने से बचने के लिए मैं यूज़ में कर रहा हूँ कुछ सर्वाइवल टेक्निक्स. ये वाला पत्थर यहाँ पे रख देगा और इसके ऊपर एक छोटा पत्थर, सो आई कैन रिमेम्बर द वे. और मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये नदी के पास वाला रास्ता ही, वो वाला नहीं लिया मैंने क्योंकि नदी के पास
लोग ज़्यादा मिलने के चांस हैं, घर भी ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वो नदी से आराम से पानी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं ना। सो मोस्टली पीपल चूज़ टू बिल्ड देयर होम नियर द रिवर साइड ना। यार जंगल के बीच में घर तो आए लेकिन यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा मेरे को। हेलो ब्रदर, एनीवन इज देयर? ओए ओहो, वो देखो गेट के ऊपर भी लॉक लगाए कर दिख रहा है तो। ओह माय गॉड, इट्स मी एंड मी। जो भी करना है मेरे को ही करना है, नोबडी इज देयर टू हेल्प मी आउट। यार फिर से दो रास्ते आ गए, वन इज देयर वन इज देयर, अब क्या करूँ? मैं जो नदी के पास वाला प्लान है वो वाला प्लान ही कंटिन्यू करता हूँ तो अच्छा होगा ना। सो जस्ट टेक दिस वे। लेकिन उससे पहले कुछ सिंबल रख देते हैं ना यहाँ पे। भाई यार हालत देखो रास्तों की, कितने साल पहले बनाए हैं, क्या बनाए हैं, या फिर करप्शन की वजह से ऐसे हैं। हाँ लेकिन बिल्कुल वाइल्ड वाला सीन है यार। जंगल में छोटे छोटे ऐसे हट्स तो आ रही हैं लेकिन इनके ऊपर ना ये लोग देख के समझ जाओ कि कितने साल से बंद पड़े हैं। भाई मकड़ी का जला, स्पाइडर्स नेट, व्हाट्स इनसाइड? कुछ चूल्हा है, थोड़े कपड़े हैं, बर्तन है, लेकिन पूरा खंडर हुआ चुका है। एंड वी गॉट सम टूथब्रश एज वेल, यू कैन यूज दिस टूथपेस्ट इफ यू आर नॉट ए ह्यूमन। भाई बिल्कुल हॉन्टेड वाला सीन लग रहा है देखो आप। ओ भाई ये वाला चीज काम का है भाई, मैं अपना कप भूल गया, सो ये मेरे काम आ सकता है। सॉरी ब्रदर और एनी स्पिरिट, बट आई विल रिटर्न यू दिस कप जब मैं वापस आऊँगा उस टाइम। यार रास्ते में देखो क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है, ऐसे नहीं लगता कोई ट्रैकिंग करते करते मर गया हो। लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं यार, इतना डेंजर वाला भी ट्रैक नहीं है। लेकिन ये वाला चीज़ भाई, ये वाला बिल्कुल सही नहीं है। अगर मैं वॉलंटियरिंग पे आया हुआ होता तो यहाँ पे सब प्लास्टिक हटा देता, लेकिन मैं अभी इतना ही कर सकता हूँ कि मैं एक भी प्लास्टिक नहीं छोड़ के जाऊँगा। और इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक मी देन डोंट डू दिस मिस्टेक। यार यार इतना अच्छा जगह है जूको वैली, डोंट रूइन द प्लेस फॉर गॉड्स सेक। यार करेक्ट मी अगर मैं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा, क्योंकि आपका जो सूरज है वो निकलता है ईस्ट से, ईस्ट ये हो गया, छिपता है वेस्ट में, तो वेस्ट वो हो गया, उस तरफ सूरज दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा रोशनी, इस तरफ डार्क होता जा रहा है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो मेरे हिसाब से अपने को इसी तरफ जाना होगा यार, बाकी अगर मैं गलत होऊंगा तो आगे जाने बाद पता चल जाएगा। देन ये नॉर्थ होगा, ये वाला साउथ होगा, मेरे को इस तरफ आना पड़ेगा, बट आई एम 90% श्योर कि साउथ ये वाला ही होना चाहिए। तो अभी मैं ले रहा हूँ भाई सीढ़ियों वाला रास्ता, क्योंकि मेरा जो टारगेट है ना वो कुछ ऐसे जो सामने वाला पहाड़ है उसके पीछे जाना है। मेरे को कोई लोकेशन का नहीं पता, कोई रास्ते का नहीं पता, बट जो भी रास्ता वो उस तरफ में जाए ना उसी तरफ में मेरे को निकलना है। भाई जस्ट लिसन द वॉइस ऑफ द बर्ड, कितना सुकून देने वाली आवाज़ है यार। वीर तुम बढ़े चलो, थोड़ा भाग लेते हैं। क्योंकि भाई मेरे को चाहिए एक ऐसा जगह जहाँ पे थोड़ा नेटवर्क आता हो, क्योंकि मेरे को थोड़ा वीडियो का काम करना है और अंधेरा जो है वो बिल्कुल होने वाला है। जस्ट लुक देयर, सूर्य ढल चुका है और टाइम जो है वो 4:30 हो चुका है, मैं निकला था 3:30 के आसपास। सो प्लेन्स के अंदर आप बोल सकते हो कि 15 मिनट में 1 किलोमीटर निकलता है, तो यहाँ पे 15 की जगह 25 लगता होगा, तो अराउंड 2.5 किलोमीटर कवर किया मैंने 1 घंटे के अंदर। अरे भाई यार जैसे जैसे जंगल में आगे जाता जा रहा हूँ रास्ता कुछ ऐसा आता जा रहा है और अंधेरा भी जंगल में होता जा रहा है। 10-15 मिनट लास्ट और नेटवर्क आया नहीं, लेकिन जहाँ तक नेटवर्क नहीं आएगा मैं नहीं रुकने वाला, चाहे वो फिर लास्ट पॉइंट ही क्यों ना, वहाँ पे भी नेटवर्क नहीं आया तो जाके रात को ही वापस आ जाएगा। आई वॉन्ट नेटवर्क इमीडिएटली। तो यार रास्ते में चलते चलते एक ऐसा हट आ गया, एंड ये वाला रास्ता जूको का ही पता चला मेरे को। देखो काफ़ी लौंडे लपट आए हैं, नाम लिखा हुआ है अनफंड हेयर जस्ट लाइक दैट। मैं कुछ ऐसा नहीं लिखने वाला, ऐसा कुछ रेस्ट हाउस रुकने को यहाँ पे रुक सकता हूँ, लेकिन यार नेटवर्क नहीं आशे। भाई 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 यार रास्ता देखो कितना एडवेंचर वाला है, टोटल नेचर नेचर नेचर। लेकिन यहाँ पे सीरियसली ज़्यादा मज़ा बताऊँ कब आता, अगर आप लोग मानसून के टाइम में आओगे ना तो मस्त मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये रास्ता मेरे हिसाब से कंप्लीट कवर होने वाला है पानी से। यहाँ तक पानी आएगा फिर इसको कवर करना पड़ेगा, फिर वो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, बोले तो टोटल एडवेंचर। भाई ये वाला रास्ता ना सेम वैसा है अगर आप मेघालय के अंदर गए हो ना, जो डबल डेकर ब्रिज है वहाँ पे, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे डबल बीच में कोई ब्रिज नहीं है, अदरवाइज वहाँ से और यहाँ से जो सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं सेम वो वाला वाइब्स है सेम। सो द टाइम इज़ 5:30 और मैंने लिया है अपना पहला ब्रेक और अंधेरा पूरा जंगल में हो चुका है भाई। थोड़ा थोड़ा पीछे आपको लाइट दिख रहा होगा, बाकी आगे एवरीथिंग डार्क डार्क डार्क, स्पिरिट्स आर देयर एवरीवेयर। लेकिन स्पिरिट से बचने के लिए मेरी नागा फ्रेंड ने फॉर्म एस्टर ने मेरे को गार्लिक और जिंजर दिया है। अकॉर्डिंग टू नागा पीपल ये सब चीज़ रखने से स्पिरिट्स आपके पास नहीं आता। आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट, बट अगर लोकल्स मानते हैं तो हमारे मानने में कुछ बुरा नहीं है भाई, सच में कुछ होता ही होगा ना। सो जो इम्पोर्टेंट बात है वो कुछ ऐसे कि अभी है मेरे पास
एक पानी का बोतल ये एक बैग के अंदर है। नेटवर्क मेरा मोटिवेशन है, जहाँ पे नेटवर्क मिलेगा वहाँ पे मैं रुकने वाला हूँ, लेकिन नेटवर्क तक पहुँचने के लिए मेरा जो मोटिवेशन है वो है दिस अमूल मिल्क, क्योंकि मेरे पास एक डिलीशियस और यमी ये वाला चीज़ है भाई। बाकी सब कुछ जो है वो मेरे को कुक ही करना पड़ेगा, मेरे पास मैगी है, ओट्स है। तो यार लोग जब जंगल में आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, तो मैंने देखा पूरे रास्ते के अंदर कचरा फैला हुआ है, कोई चोकोपाई लेके आया, कोई चिप्स कुरकुरे अनबर्न्ड लहसुन पता नहीं क्या क्या, तो ये सब कुछ लेके जंगल में आने का कोई मजा नहीं। आप जंगल में आने का असली एडवेंचर फील ही तब करो जब आप खुद कुक करके खाओगे, खुद शेल्टर बनाओगे, उसमें रहोगे, रियल एडवेंचर तो हुआ ना भाई। ये सब कुछ लेके आना तो जंगल में आने का कोई मतलब नहीं ना, आपको वो वाला फील नहीं होगा एडवेंचर वाला ना। कंटिन्यू करते हैं अपने ट्रैकिंग बिना लेट हुए। भाई ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। जो पूरा नागालैंड है ना वहाँ पे आपको मैं क्या बताऊँ, मोकोकचुंग में और जो कोहिमा है ना वो सबसे ज़्यादा ठंडा है। कोहिमा में आते यार मैं सही बताऊँ पूरा शिवरिंग करने लगा मैं जब भी सुमो से उतरा ना, और यहाँ पे आने की बात तो और भी गंदा हाल है। कोहिमा से भी ज़्यादा ठंडा है, और मेरे को ज़्यादा ठंडा यहाँ पे इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा पूरा जो अंडरगारमेंट है ना पूरा गीला हो चुका है पसीने से। तो अभी मैं बैठा तो फील हुआ, चल रहा था उस टाइम तो गर्म था ना सब कुछ, पसीना भी गर्म था तो कपड़े भी गर्म हो रखे थे, लेकिन बैठने पर ठंडी ठंडा हवा चल रहा है और साथ में कपड़े पूरे गीले हैं तो हालत बेहाल है। तो जल्दी से नेटवर्क ढूंढते हैं, अगर नेटवर्क नहीं मिलता तो अभी एक घंटे और ट्रैकिंग करते हैं और उसके बाद आग जलाता हूँ सबसे पहले यार। तो उठाते हैं अपना भंगड़ा, भाई पावर बैंक में भी कमी बैटरी बचा है मेरे, कितना है ओनली हाफ, दो बत्ती जल रही है। Who's gonna love when you are dead, Pulkit? Let's go, Pulkit. सो अब टाइम आ चुका है अपने इक्विपमेंट्स यूज़ करने का। ओके दैट नाइट लाइट इट्स वर्किंग आई थिंक ना, या इट्स ओके, लेट्स कंटिन्यू द ट्रैक। भाई बहुत ज़्यादा ठंडा यार, भाई आवाज़ें आ रही यार गंदी गंदी जंगल से। हाँ वो दिस यार कोई लकड़ियों में से भाग रहा है शायद, वाइल्ड पोर्क हो गया ऐसा कुछ। नेगेटिव सोचने से फ़ायदा है नहीं। यार मैं ना कोई लफड़ा नहीं चाहता, तो सबसे पहले मैं प्रोटेक्शन निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब आ रहा था तो काफ़ी लोगों ने मेरे को वार्न किया, मैंने पूछा जंगल में कैंपिंग कर सकता हूँ या नहीं, तो बोले कि आपका बियर और जो वाइल्ड लियोपार्ड होता है माउंटेन लियोपार्ड वो है यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से, ध्यान तो क्या दे सकते हैं भाई, जैसा है वैसा ही है ना, जाना तो पड़ेगा, सो वी कैन यूज़ प्रोटेक्शन एटलीस्ट ना। सो प्रोटेक्शन भी मैं कैरी कर रहा हूँ, लेट्स सी इज इट देयर, और भूल गया घर पे। खुल जाए यार, भाई हुक भी नहीं खोल रहे, हाथ इतने ठंडे हो चुके हैं मैं, देख रहा है पूरा लाल लाल लाल। वेयर इज माय प्रोटेक्शन, भूल गया क्या साला। ओके हियर इज आवर प्रोटेक्शन, मजल लोडिंग तो नहीं है लेकिन दाव है मेरे पास, इससे होगा तो कुछ नहीं मेरे को भी पता है, लेकिन थोड़ा मेरा हिम्मत बढ़ जाएगा ना कि मेरे पास प्रोटेक्शन है। यार सबसे बड़ा लफड़ा ये नहीं है कि मेरे को वाइल्ड एनिमल्स का डर लग रहा है या फिर कुछ और चीज़ का, स्प्रिट्स का, ऐसा कुछ नहीं है डर भाई, बताऊँ किस चीज़ का है, ये क्लियर नहीं है कि मैं रास्ता सही जा रहा हूँ या नहीं। अगर पूरा रात चला और सुबह चल के पता चला कि मैं गलत आ गया तो वो धोखा कभी लाइफ टाइम कवर नहीं होगा भाई। बाकी ऊपर का सीन अगर आपको दिख रहा है तो इन्जॉय, कोपरो रात को इतना अच्छा नहीं होता साला। सामने मेरे सामने सीन बताऊँ क्या है, पूरा वैली 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 और उसके सामने बिल्कुल आसमान दिख रहा है, उसके अंदर एक तारा दिख रहा है, वन स्टार ओनली, एंड इट्स लुकिंग लाइक ही इज कॉलिंग मी कम देयर, देयर यू विल एंजॉय ग्रेट व्यू, आई एम कमिंग। भाई रास्ते में देखो मेरे को क्या मिला है, क्या चीज़ है ये गैस करो, ये एक्चुअली पेड़ का ट्रंक है, जो बड़े वाला होता है ना पेड़ा बोलते हैं, और ये सेम वो वाला है जो आपको ईस्टर्न नागालैंड में मिलेगा ना कोन्याक ट्राइब्स में, जो वो लोग अपने मोरंग में रखते थे जिस टाइम हेड हंटिंग करते थे ना, तो इसका यूज़ करते थे वो बजाने के लिए, जब कोई एनिमी आता था गाँव में, कोई मर जाता था जो भी, मतलब जस्ट लाइक ए मैसेंजर व्हाट्सएप युगन से, जब कोई एनिमी आता था वैसे बजाते थे, और जब कोई मर जाता था तो अलग ट्यून होता था ऐसे। मे बी आई एम नॉट परफेक्ट बट ऐसे कुछ सीन चलता था उनका। यार जैसे जैसे आगे जाते जा रहा हूँ ना, रास्ता स्टीप 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 ऐसा आता जा रहा है बिल्कुल। मैं कैसे चल रहा हूँ पता है, ऐसे टारगेट लेके चल रहा हूँ, 100 steps, 100 steps, 100 steps, तो उससे ज़्यादा ईजी होगा ना भाई। भाई बाकी तो सब ठीक है, लेकिन रास्ता देखो आप, रास्ते के नाम पे ऐसा कुछ मिलेगा आपको, ऐसे ट्रैकिंग करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी जो वेट है ना मेरे पीछे वाला जो बैग है, दिस इज़ 30 एंड दिस इज़ 10 to 15, 40 to 45 कैरी करके चल रहा हूँ मैं, तो मेरी फट के चार हो चुकी है। रास्ता देखो यार आप,
फुल टू मस्ती वाला। ओके बाकी सब तो हैंडल हो रहा है, लेकिन थकान की वजह से जो बड़ी बड़ी स्टेप्स हैं वहाँ पे चढ़ना मुश्किल हो रहा है थोड़ा। 1 2 3 तो भाई रास्ते में चलते चलते आ गए अपने कुछ ऐसा शेल्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है मिडवे रेस्ट हाउस बिल्ट इन 2009। तो मुझे लग गया भाई तगड़े वाला भूख, तो पहले करें कुकिंग। तो सबसे पहले तो भाई आग जलाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं अंदर पे, बहुत भारी है पे, कितना बड़ा है ना। यार ऐसे तो इनको जलाना काफी मुश्किल होगा, काफी बड़ी बड़ी लकड़ी है ना, तो इनको काट लेते हैं पहले। तो भाई आग अपनी यहाँ पे जलने शुरू हो गई है एंड इट्स टाइम फॉर कुकिंग। तो सबसे पहले एक ही टोपी है मेरे पास, मैगी बना लूंगा तो फिर चाय बनना मुश्किल हो जाएगा, तो पहले चाय बना लेते हैं। ये भाई अपना कुकिंग सेट, ये चाय हो गया, दिस इज चीनी, जिंजर भी था यार। सो चाय भाई अपनी रेडी हो चुकी है, देख रहे हो कैसे कलर आ चुका है मस्त वाला एंड अदरक का खुशबू आ रहा है। भाई इतनी मेहनत के बाद जब खाना मिलता है ना और खुद बनाते हो तो उसका खुशी आप नहीं समझ पाओगे जब तक आप ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसोगे। तो भाई जब तक अपना मैगी रेडी हो रहा है, चाय डाल दिया मैंने बोतल में और बोतल डाल दिए बैग में ताकि वो ठंडा ना हो, और साइड से अगर आपको भी आवाज़ आ रहा होगा पानी का, तो अपना पानी का दोनों बोतल ख़त्म हो चुका है भाई। तो सबसे पहले तो नीचे जाके देखते हैं, अगर पानी का कुछ हो जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई। यार आवाज़ तो आ रहा है लेकिन ये तो नहीं पता ना कितना दूर से आ रहा है, और रास्ता भी ऐसा है असल, पता नहीं आगे वैली हुआ तो एकदम से नीचे चला जाएगा। भाई कितना दूर होगा ये आवाज़, अब तो फिर भी नागालैंड से हो तो थोड़ा जंगल के हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से बताओ मेरे को, ज़्यादा नहीं 50 मीटर होना चाहिए। लेकिन रास्ता यहाँ से नहीं है भाई, यहाँ से रास्ता दिख रहा है। भाई रात का जो टाइम है वो 8:30 हो चुका है और ये सब एक्टिविटीज अभी चल रही हैं जंगल में, और अब तो मेरे पास सेफ्टी वाला दाव भी नहीं, उधर ही भूल गया मैं। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार कोई मिल गया तो बोल देंगे भाई, पानी लेने जा रहा हूँ यार। रास्ता कैसा कैसा है साला, रास्ता है डाउन का, लेकिन रास्ता भूलना नहीं है। ये वाला चट्टान यहाँ पे क्या रखूँ, ओके अगर इस टाइम पे रास्ता भूल गया तो मेरा हालत बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, क्योंकि खाने पीने का भी कुछ नहीं है मेरे पास। यार आवाज़ तो आ रहा है लेकिन जैसे जैसे पास जा रहा हूँ आवाज़ दूर होता जा रहा है, नहीं हो रहा भाई नहीं हो रहा। मैं पूरा घूम के उधर से इस तरफ आया और आवाज़ चला पहाड़ के उस तरफ आने लगा। अब तो ऐसे ज़्यादा चला मैं तो रास्ता भटक जाऊँगा, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। मेरे पास 1 लीटर पानी बचा है, उससे काम चला लेगा। Come on यार, रास्ता तो साफ कर दो ना कोई, देखो कैसे पकड़ रखा है मेरे को। भाई जल्दी 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 चलो, अपना मैगी भी बन के रेडी हो चुका होगा, गैस ऑफ नहीं हो जाए वो फन के वरना पूरा गैस भी लीक हो जाएगा साला। जा तो सही रहा हूँ ना मैं, अब तक मेरे वाला लकड़ी नहीं आया यार। अरे यहाँ से ऊपर चढ़ना है बस मेरे को कैसे भी करके। भाई नीचे जमीन नहीं है, मैं लकड़ी के ऊपर चल रहा हूँ। ये कोई दूसरा रास्ता से आ गया मैं, लेकिन ऊपर तो पहुँच जाएगा शायद ना। मैं गया सा उधर से आया इस तरफ से, और मैगी भी अपनी अब तक हो चुकी है बिल्कुल रेडी। भाई 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 देखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो यहाँ पे मैगी वैगी बना के वापस निकलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी चेक किया मैंने, नेटवर्क इज देयर। भाई इससे ज़्यादा टेस्टी मैगी मैंने आज तक कभी नहीं खाई। मैगी तो वही है लेकिन इतना मेहनत स्ट्रगल करने के बाद खा रहा हूँ ना, और जो अपना टारगेट था वो भी अचीव हो गया। भाई आई कांट बिलीव, बट एक टावर आ रहा है नेटवर्क का, एक टावर।
एक्चुअली मेरे को नेटवर्क जरूरी इसलिए था क्योंकि मेरे को अब वीडियो अपलोड करनी है, और अभी अगर अपलोड करके छोड़ दूंगा तो आई गारंटी सुबह तक हो जाएगा आराम से, 5, 6, 7, 8 बजे तक भी हो जाएगा तो चलेगा। पेंडिंग एंड अभी मैं अमूल दूध पी सकता हूँ अपना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ यू रियली एंजॉयड द वीडियो सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरी वन यू नो यार।